इस सेशन के अंदर हम रेफरेंसेस टैब को डिस्कस करेंगे कि एमएस वर्ड के अंदर रेफरेंसेस टैब क्या है और उसमें किस तरह के ऑप्शन मौजूद हैं और हम अपने डॉक्यूमेंट्स में उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो रेफरेंसेस टैब यूज़ करने से पहले सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि वर्ड के अंदर जो हमने फर्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया कि वर्ड में हम किस तरह की चीज़ों को परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी किस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें इसके अंदर लिखी जा रही होती हैं। तो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि जो चीज़ें टेक्स्ट से रिलेटेड हैं, वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो, थीसिस हो, लेटर्स हों, बुक हों, ठीक है, उन वो तमाम चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो रही होती हैं। तो रेफरेंसेस की टैब के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो किसी भी बुक राइटिंग के पैटर्न को ज़ाहिर करते हैं, यानी बुक्स लिखने के वक्त जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है हम वो इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं या वहाँ पर उन चीज़ों को किस तरह से आसानी के साथ लिख सकते हैं, वो तमाम ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। इस चीज़ को हम शॉर्ट वे पे डिस्कस करते हैं, ऑल्दो हम पूरी बुक तो यहाँ पर नहीं लिख सकते, लेकिन एक पेज या दो पेज की बुक से ही हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि 100+ बुक्स के अंदर ये तमाम सिनेरियो किस तरह से परफॉर्म हो रहे होते हैं। लिहाजा कुछ टेक्स्ट हासिल करने के लिए मैं डमी टेक्स्ट हासिल कर लेता हूँ और कुछ पैराग्राफ का डिफरेंस भी दे देता हूँ। तो इस तरह मैं इस मेन टाइटल को, जो कि मेरे पेज 1 पर मौजूद है, मैं ऊपर हेडिंग दे देता हूँ मेन पेज। और इसका नाम दे देते हैं हम सेकंड पेज या सेकंड हेडिंग। एंड सिमिलरली दिस वन इज थर्ड हेडिंग। तो इस वक्त बुक के फर्स्ट पेज पर मेरी ये तीन हेडिंग होगी और इससे रिलेटेड तमाम डेटा उसके नीचे मौजूद है। लिहाजा इसे हेडिंग बनाने के लिए मैं होम पर वापस आता हूँ और इसे लेवल 1 यानी हेडिंग 1 बनाता हूँ। फिर इसी तरह इसे हेडिंग 1 एंड सिमिलरली इसे भी हेडिंग 1 बना देता हूँ। ये करने के बाद हम दोबारा अपने रेफरेंसेस के टैब पर आते हैं और टैब पर आने के बाद मैं अपने फर्स्ट पेज पर कुछ गैप ऊपर दूंगा ताकि इस जगह पर टेबल ऑफ कंटेंट्स आ सकें, जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। तो रेफरेंसेस का फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट है, लिहाजा जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये कुछ ऑप्शंस देगा कि आप किस स्टाइल के टेबल ऑफ कंटेंट को चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं कंटेंट सिंपल, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसे चाहता हूँ, मैंने इसे क्लिक किया। तो मैंने इसे जैसे क्लिक किया तो आप कंटेंट पे देख रहे हो कि वो तीनों हेडिंग जो कि मैंने नीचे अपने बुक के अंदर ऐड करवाई हैं वो यहाँ पर मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं अपने पेज के इस एरिया पर आता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ और अपने तमाम डेटा को दूसरे पेज पर ले आता हूँ। तो इस वक्त पेज 2 के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, लिहाजा मैं ऊपर चलता हूँ, लेकिन आप देख रहे हो कि इस वक्त अभी भी यहाँ पर चीज़ें 1 पे ही लिखी हैं। लिहाजा मैं अपने टेबल अपडेट टेबल को क्लिक करता हूँ और इंटायर टेबल को अपडेट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसे अपडेट किया तो आप जहाँ पर वो डेटा मौजूद है वो तमाम चीज़ें वहाँ आ रही हैं, विच मीन कि इसके बाद आप जितने पेजेस बनाते जाओगे, हेडिंग बनाते जाओगे और चैप्टर्स के नाम देते जाओगे, वो तमाम चीज़ें विथ अकॉर्डिंग टू द पेज नंबर ऑफ दैट कॉन्टेंट्स यहाँ पर शो होते जाएंगे। उस चीज़ को शो करने के लिए आपको जब आप उसमें एडिट करेंगे तो इस टेबल को अपडेट करने की ज़रूरत होगी। सिमिलरली फॉर एग्जांपल आपका ये कंटेंट इस वक्त इनकम्प्लीट है और आप चाहते हो कि एक और हेडिंग बनाएं और वो हेडिंग इस पैराग्राफ के बाद बनने वाली है। तो इस पैराग्राफ के बाद हेडिंग बनाने के लिए आप यहाँ पर एक हेडिंग बनाना चाह रहे हो, लिहाजा मैं इसे नाम देता हूँ एडिट हेडिंग। तो एडिट हेडिंग मैंने लिखने के बाद इसे हेडिंग बनाना, लिहाजा दोबारा इसकी सिलेक्शन करता हूँ, होम पे आता हूँ और जो स्टाइल टैग के अंदर हमने हेडिंग के स्टाइल के हवाले से पढ़ा था उस पे मैं इसे हेडिंग 1 बनाता हूँ दोबारा। दोबारा हेडिंग 1 बनाने के बाद मैं इसे हेडिंग 1 नहीं बनाता, उसके लिए मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ। तो आप देख रहे हो कि वापस मैं उसी फॉर्मेट पे आ चुका हूँ जिस तरह मैंने टेक्स्ट लिखा था। अब रेफरेंसेस पे आता हूँ और यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हो ऐड टेक्स्ट, इसे आप क्लिक करोगे तो जिस लेवल की आप हेडिंग बनाना चाहते हो आप उसे उस लेवल की हेडिंग बना सकते हो। तो लेवल 1 पे क्लिक किया मैंने तो वो बिल्कुल वैसी हेडिंग बन गई जो कि ऊपर की हेडिंग है। लिहाजा जब मैं ऊपर आऊँगा तो आप देख रहे हो कि टेबल अपडेट नहीं है। आप अपडेट को इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से भी कर सकते हो और ये ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद है। लिहाजा मैंने इसे यहाँ से क्लिक किया और अपने पूरे टेबल को अपडेट कर दिया, तो वो तीसरी हेडिंग भी वहाँ पर आ चुकी है और वो ही पेज नंबर वहाँ पर शो हो रहा है जिस पेज नंबर पर वो मौजूद है। इसी तरह जब हम बुक राइटिंग की बात करते हैं और जब बुक पढ़ रहे होते हैं तो बुक के अंदर बाज़ दफ़ा हम कुछ खास पॉइंट को डिस्कस करने के लिए कुछ बुलेट्स बनाते हैं। वो बुलेट्स बाज़ दफ़ा बुक पर
सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट के बिहाफ पर ऊपर नंबर या स्टैरिक से शो हो रहा होता है, और वो स्टैरिक के हवाले से जो तफसीलात हैं वो पेज के बॉटम पे यानी बिल्कुल लास्ट पे शो हो रही होती हैं। इस चीज़ के ऑप्शन को ऐड करने के लिए हम इंसर्ट फुट नोट को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर कोई एडिशनल चीज़ बतानी है जो कि सेकेंड हेडिंग के लास्ट पे, ठीक है, लिहाजा मैं अपने कर्सर को यहाँ लाने के बाद इंसर्ट फुट मार्क पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि बॉटम पर एक लाइन बन गई, ठीक है, जहाँ पर नंबर वन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि दिस इज़ माई फर्स्ट डेमो फुट नोट इन बुक। ये लिखने के बाद मैं आउटर एरिया पे एंटर प्रेस करता हूँ। आउटर एरिया पे क्लिक करने के बाद हम अपने उसी एरिया पे वापस आ जाते हैं जहाँ पर हमने फुट मार्क ऐड करवाया था। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि वन लिखा आ रहा है, और जब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो वही स्टेटमेंट उसके ऊपर शो हो रही है जो मैंने फुट इंसर्ट फुट नोट पर लिखा था। इसके बाद फुट नोट्स के अंदर ऑप्शन हमारे पास मौजूद है इंसर्ट एंड नोट। फुट नोट और एंड नोट में क्या डिफरेंस है, ये हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लिहाजा जिस तरह से मैंने सेकंड हेडिंग के अंदर फुट नोट ऐड करवाया था, इस चीज़ के लिए मैं मेन पेज के हेडिंग पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद इंसर्ट एंड नोट पर क्लिक करता हूँ। तो इंसर्ट एंड नोट की पे जैसे मैंने क्लिक किया तो इसने भी बिल्कुल इंसर्ट फुट मार्क की तरह ही ऑप्शन दिया, लेकिन ये ऑप्शन पेज के बॉटम पे नहीं बल्कि पेज के जहाँ पर टेक्स्ट आपका एंड हो रहा है उसके साथ ही आ गया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज माई डमी इंसर्ट एंड नोट और आउटर एरिया पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद जब आप ऊपर जाएंगे उसी जगह पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आई के साथ ये चीज़ शो हो रही है और होवर पे वो ऑप्शन शो कर रहा है जो आपने वहाँ लिखा है। लेकिन अगर आप उन दोनों को कंपेयर करें तो आप फ़र्क देख रहे हो कि ये चीज़ हमेशा पेज के बिल्कुल बॉटम पर आता है और ये विथ टेक्स्ट चीज़ों को शो करता है, जो कि इसका बेसिक डिफरेंस है। अगर आपने एक से ज़्यादा नेक्स्ट नोट यानी कि एंड नोट बनाया हुआ है तो आप यहाँ से उसको क्लिक करने के बाद देख सकते हो, प्रीवियस जा सकते हो, नेक्स्ट जा सकते हो, जिस तरह हम कमेंट्स पर जाया करते थे। सिमिलरली शो नोट्स पे जब आप क्लिक करोगे तो वो तमाम नोट्स शो हो जाएंगे जो नोट्स आपने बनाए, आपने व्यू फुट नोट भी बनाया हुआ और एंड नोट भी बनाया हुआ है, तो वो एरिया आपको गेट करना है। मैंने उस पर क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि उस एरिया पे मेरा कर्सर आ गया बटन के क्लिक पर, तो यहाँ पर आप उन तमाम फुट नोट्स और एंड नोट्स को देख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इंसर्ट साइटेशन का है। साइटेशन से क्या मुराद है, जब कोई स्टेटमेंट या कोटेशन हम किसी बुक से कॉपी करके अपने बुक का पार्ट बना रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें ज़रूरत होती है कि वो साइटेशन उसके हवाले से बताया जाए कि किस राइटर की किस एडिशन के बुक से आपने वो स्टेटमेंट कॉपी की। तो उस चीज़ के लिए हम इंसर्ट साइटेशन को इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम थर्ड हेडिंग पर आते हैं और इस ब्लॉक पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है हमारा डमी तौर पर, हम इसमें समझते हैं कि ये कोई कंटेंट किसी बुक का है, लिहाजा इसे साइटेशन इंसर्ट करवाना है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद मैं इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक करता हूँ और ऐड न्यू सोर्स पर आता हूँ। तो यहाँ पर आप टाइप ऑफ सोर्स बताएंगे कि आप बुक से ले रहे हैं या किसी जर्नल से ले रहे हैं, आर्टिकल से ले रहे हैं। तो अभी मैं बुक कंसीडर करता हूँ, ऑथर के नेम पर डमी तौर पर मैं लिखता हूँ फहद हुसैन। अगर कोऑपरेट कोई ऑथर है तो आप यहाँ पर उसका भी नाम लिख सकते हैं। टाइटल आप जो भी देना चाहते हैं, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ बुक। ईयर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो अगर आप राइट बुक से ले रहे हो तो वहाँ से भी ले सकते हो। यहाँ पर आप सिटी बता दोगे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ Chicago and publisher name, also for press Fahad Hussain P. Okay, तो जिस तरह मैंने वहाँ पर लिखकर इंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हो विथ नेम वो चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं, और यहाँ से आप जब इस पर क्लिक करोगे तो होवर के साथ आपको सिट्रेशन ऑप्शन शो कर रहा है कि यहाँ से आप उसे एडिट भी कर सकते हो जो आपने अभी किया है। आप एडिट साइटेशन पे क्लिक करोगे तो जो आपने पेजेस लिए हैं आप उसे वहाँ पर ऐड भी करा सकते हो, ऑथर ऐड करवा सकते हो, एयर करवा सकते हो, टाइटल करवा सकते हो। सिमिलरली इसके बाद मैनेज सोर्सेज हैं, मैनेज सोर्सेज पर आप क्लिक करोगे तो जो साइटेशन आपने अभी ऐड करवाया है आप उस पर क्लिक करने के बाद एडिट पर आओगे तो यहाँ से आप उसे एडिट कर सकते हो। इसी तरह एडिट करने के साथ साथ आप उसे डिलीट कर सकते हो, न्यू बनाना चाहते हो न्यू पे क्लिक करोगे न्यू फॉर्म आ जाएगा, और उसके बाद दोबारा से आप वहाँ पर सोर्स डालकर एक और साइटेशन क्रिएट कर सकते हो। सिमिलरली आपने जो साइटेशन बनाई है उसकी स्टाइलिंग के लिए यहाँ पर स्टाइल का ऑप्शन मौजूद है। आप जो स्टाइल लोगे उसके मुताबिक आपका टेक्स्ट का एरिया जो है वो चेंज हो जाएगा और उस स्टाइलिंग में वो चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी।
तो मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ और उसके बाद स्टाइल पर आऊँगा, तो वो स्टाइलिंग बिल्कुल उस टेक्स्ट के मुताबिक चेंज होती जाएंगी जैसे कि यहाँ पर चेंजेस आपने देखा है अभी। फिर इसके बाद बुक के अंदर आपने देखा होगा बिब्लोग्राफी। बिब्लोग्राफी से मुराद ये होता है कि जब बुक एक डिज़ाइन की जाती है, राइट की जाती है, तो उसमें हम मल्टीपल्स बुक्स, आर्टिकल्स और किसी वेब पेज का सहारा लेते हैं, उसको पढ़ने के बाद, समराइज करने के बाद उन चीज़ों को लिख रहे होते हैं। तो बिब्लोग्राफी के अंदर हम उन्हीं बुक्स के टाइटल्स, हेडिंग और राइटर के नाम को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जितनी साइट्रेशन और चीज़ों को ऐड करवाया है उसे आप बिब्लोग्राफी के अंदर अगर शो करवाना चाहते हैं, तो जिस जगह आप बिब्लोग्राफी चाहते हो सबसे पहले आप उस एरिया पर आ जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ और नेक्स्ट पेज पर आने के बाद मैं बिब्लोग्राफी को क्लिक करता हूँ और इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ बिब्लोग्राफी। तो आपने देखा कि बिब्लोग्राफी के अंदर वो तमाम चीज़ें आ गई जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इंसर्ट करवाया था साइट्रेशन के अंदर। जो साइट्रेशन के अंदर जो चीज़ें ऐड करवाई थी, जाहिर सी बात है वो किसी बुक का रेफरेंस था, जो जिस रेफरेंस को मैं अपने बुक में यूज़ कर रहा हूँ। लिहाजा बिब्लोग्राफी जितनी भी साइट्रेशन आपने यूज़ की हुई होती हैं, वो तमाम साइट्रेशन आपके किसी खास जगह पर प्रिंट हो जाती हैं जहाँ पर आपका कर्सर होता है। यही वजह है कि हमेशा किसी बुक के लास्ट पर एक चैप्टर बनाया जाता है बिब्लोग्राफी का, जहाँ पर वो तमाम बुक्स के टाइटल्स को लिखा जाता है और उसकी हेडिंग, नेम, पब्लिश, किस साल में वो पब्लिश हुआ, किस राइटर ने लिखा, किस सिटी और किस प्रेस ने उसे प्रिंट किया, वो तमाम तफसीलात वहाँ पर आ जाती हैं। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इंसर्ट कैप्शन का है। इंसर्ट कैप्शन से क्या मुराद है? आपने देखा होगा कि जब कोई हम इमेज लेते हैं, अगर मैं किसी वेब की बात करूँ, वेब ब्राउज़र पर, और जब आप इमेज पर होवर करते हैं, अपने माउस को मूव करते हैं, तो कुछ स्टेटमेंट लिखा आता है। वो बाज़ दफ़ा स्टेटमेंट होता है उस पर टाइटल पे, और इसी तरह कुछ इमेज के नीचे भी कंटेंट आ रहे होते हैं जो बिल्कुल उसके साथ कोलैप्स होते हैं, मिले हुए होते हैं, उस चीज़ को हम कैप्शन कह रहे होते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम अपनी बुक के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इमेज का सहारा ले रहे हैं, उस वो ज़रूरत है हमारे डॉक्यूमेंट की, तो इस चीज़ के लिए मैं पिक्चर पर आता हूँ और एक पिक्चर ले लेता हूँ डिज़र्ट की। इसके साइज़ को हम मैनेज कर लेते हैं। मैनेज करने के बाद मैं दोबारा अपने ऑप्शन पे वापस चलता हूँ जो कि हमारे रेफरेंसेस का था, और इस इमेज पे क्लिक करने के बाद आप इस पे क्लिक करने के बाद इसके ऑप्शन पे जाएंगे रेफरेंसेस, जो कि हमारा इस वक्त यहाँ पर डिसेबल हुआ हुआ है क्योंकि मैंने बिब्लोग्राफी के पेज पर इसको ऐड करवाया हुआ है। लिहाजा इस चीज़ के लिए मैं इस इमेज को अपने टेक्स्ट एरिया पर लेकर आ जाता हूँ। अब ये टेक्स्ट एरिया पर आ गया। जैसे मैं इसे टेक्स्ट एरिया पर लेकर आया तो आप देख रहे हो कि इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन यहाँ पर इनेबल हो चुका है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप फिगर वन का नाम देख रहे हैं जो कि इस कैप्शन का है। तो मैं इसे चाहूँ तो रीनेम भी कर सकता हूँ, लिहाजा इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से आप फिगर का नाम और ऑटो कैप्शन चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और कोई पोजीशन देना चाहते हैं उसकी तो आप पोजीशन भी दे सकते हैं। लेबल यहाँ पर मौजूद है फिगर का, तो टेबल बनाना चाहते हैं या कोई इक्वेजन, तो मैं फिगर ही रखता हूँ। और उसके बाद न्यू लेबल पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लेबल का कोई नाम भी दे सकते हो, जिसको मैं नाम दे देता हूँ माई पिक, और उसके बाद ओके कर देता हूँ। तो आप रीनेम के हवाले से मैं बात कर रहा था, यहाँ से लेबल को चेंज करने से इस पिक का नाम माई पिक हो गया, लिहाजा मैंने इसे ओके प्रेस किया। और जैसे मैंने ओके प्रेस किया तो आप इमेज के साथ बिल्कुल देख रहे हो माई पिक का नाम ऐड हो चुका है जो कि इसका कैप्शन कराता है। इसी तरह आप इस पर दोबारा क्लिक करें, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आप टेबल बनाना चाह रहे हो उसी रिस्पेक्ट से, यानी जिस तरह मैंने इमेजेस पे कैप्शन ऐड किया है, तो इस ऑप्शन के, इस चीज़ को समझने के लिए हम पहले से ओके करते हैं और अपने पेज के बिल्कुल टॉप पे चलते हैं। तो टेबल से यहाँ मुराद टेबल ऑफ कंटेंट है। तो आप यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट देख रहे हो जो सिर्फ आपकी कंटेंट का है, इमेज का नहीं है जो आपने अभी इमेज ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, मैं अभी ऐड नहीं करवाया, लिहाजा मैं इसे अपडेट करता हूँ, इंटायर टेबल अपडेट करता हूँ। तो आप यहाँ पर कहीं पे भी नहीं देख रहे हो कि इमेजेस के कुछ नाम या उनके वो पेजेस आ रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हमने इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर को यूज़ करना है। लिहाजा मैं दोबारा अपनी इमेज को क्लिक करने के बाद इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पर आता हूँ, और यहाँ पर वो सीरीज़ देख रहे हैं आपके प्रिंट प्रीव्यूज़ का क्या होगा, वेब प्रीव्यूज़ का क्या होगा। लिहाजा मैंने ओके पर प्रेस किया। ओके प्रेस करने के बाद आप देख रहे हो कि जिस जगह मेरा कर्सर मौजूद था वहीं पर इन्होंने माई पिक के साथ पेज नंबर शो कर दिया। लिहाजा मैं कंट्रोल ऐड करता हूँ और क्लिक हो चुका है। लिहाजा मैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट के पास आता हूँ और यहाँ पर कर्सर लेकर आता हूँ, टेबल ऑफ इंसर्ट कराता हूँ टेबल,
ओके प्रेस करता हूँ तो अब आप देख रहे हो कि कंटेंट के साथ ही मेरी वो पिक का जो नाम है कैप्शन रखा वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और इसी तरह टू कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, तो अगर मैं कंट्रोल के साथ इसे क्लिक करूँ तो ये लिंक की तरह बिहेव करेगा, ऑल्दो ये अभी लिंक नहीं है तो, लेकिन जब आप इसको वेब के अंदर लेकर आओगे तो वहाँ पर आप क्लिक करने पर जिस तरह से आप रीडायरेक्ट होते हो किसी पेज पर, तो वो चीज़ भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो। इसी तरह टेबल को अपडेट करना है, अपडेट करने की ज़रूरत उस वक्त होगी जब आप एक और पिक्चर ऐड करवाएंगे, तो जिस तरह से आपने कंटेंट में एक और हेडिंग ऐड करवाने के बाद उसे अपडेट किया था, बिल्कुल वही काम आप यहाँ पर भी परफॉर्म करके अपने इस न्यू टेबल को अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह आगे चलते हैं, आगे आप क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन देख रहे हैं। क्रॉस रेफरेंस ऑल्दो हम पहले भी किसी टैब के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दोबारा इसे हम समझते हैं। क्रॉस रेफरेंस पे आप किसी भी चीज़ को एक ही सीरीज़ ऑफ लाइन पर ला सकते हो। किस तरह से, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आइटम नंबर से यहाँ पर सिलेक्शन ले ली, आइटम नंबर हमारे पास नहीं है, आपके पास हेडिंग मौजूद है, आपने हेडिंग ले लिया यहाँ पर, ठीक है। और हेडिंग को अगर मैं चाह रहा हूँ कि मल्टीपल्स लाइन पर एक ही जगह पर वो करवा लूँ, ऐड करवा लूँ, ये काम भी आप कर सकते हैं। इसी तरह आपने पिक लिया हुआ है, लिहाजा आप पिक पर आएंगे यहाँ पर माय पिक, और अगर आप मोर देन वन पिक लिया हुआ होगा आपने तो वो तमाम ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे होंगे, तो वो तमाम एक एक करके आप इसको इंसर्ट करवाते जाओगे तो वो एक ही लाइन पर बार बार ऐड होता जाएगा। जैसे आपने देखा एक पिक वन के साथ एक और पिक वन ऐड हो चुका है, जब आप मल्टीपल्स होंगे तो माई पिक टू, माई पिक थ्री, सो ऑन, जितने भी आपने नाम रखे होंगे वो ऐड हो जाएंगे। इसके बाद जब आप इस पर होवर करोगे तो बिल्कुल वही ऑप्शन आ रहा है जो कंट्रोल के साथ क्लिक का है, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा कि आप उस इमेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, यानी उस इमेज पर आपका कर्सर आकर रुक जाएगा जो इंडिकेट करेगा कि आपने इस पिक्चर को की सिलेक्शन की है। इस वक्त मेरे विंडो की एक्टिवेशन का मसला है, यही वजह है कि वहाँ पर वो एरो शो है। आपकी मशीन पर यकीन तौर पर जब आप कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे तो आप अपनी इमेज पर आ जाओगे। देन आगे हमारे पास ऑप्शन है मार्क एंटिटी एंट्री। मार्क एंट्री पे क्या होता है, बाज़ दफ़ा जब आप बुक लिख रहे होते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बड़े अहम होते हैं और आप उस तमाम अहम वर्ड्स को कीवर्ड बनाकर कहीं पर मल्टीपल जगहों पर यूज़ करना चाहते हैं। तो इस चीज़ के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टू मेक योर इस वर्ड को लेता हूँ, इससे मार्क एंट्री करता हूँ, ठीक है, और मार्क कर लेता हूँ। इसी तरह सेव टाइम पर आता हूँ, यहाँ पर वही वर्ड मौजूद है सेव टाइम इन वर्ड, और इसे दोबारा भी एंट्री कर लेता हूँ। इसी तरह क्लोज करता हूँ और यू कैन कोलैप्स पार्ट्स को भी मार्क एंट्री करता हूँ, मार्क कर लेता हूँ और क्लोज करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर शो एंड हाइट का ऑप्शन आ चुका है, लिहाजा इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप फोन पर वापस आएंगे और यहाँ पर शो एंड हाइट का ऑप्शन आप इसे क्लिक करेंगे वो ऑप्शन हट जाएगा। अब आपने उन तमाम मार्क्स को कहीं पर यूज़ करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल तो मैं इस पैराग्राफ के बाद यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो इस जगह अपने कर्सर को लेकर आता हूँ, रेफरेंस को दोबारा आता हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं इंसर्ट इंडेक्स, मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर वो तमाम जिस फॉर्मेट पे आपने ऐड करवाया हुआ होगा उन तमाम चीज़ों को उसका प्रीव्यू शो हो रहा है। मैं ओके प्रेस करूँगा तो आप देख रहे हैं कि जितने वर्ड्स मैंने यहाँ पर ऐड करवाए थे वो कीवर्ड्स बन चुके हैं और जहाँ पर आप उन चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं आप वहाँ से ऐड करवा सकते हैं। बिल्कुल जिस तरह से आपने बाकी चीज़ों को अपडेट किया है, आप कोई चीज़ अपडेट करवाना चाहते हैं, अगर आपने एक और चीज़ें ऐड की हैं यहाँ पर तो आप उसे भी यहाँ से अपडेट के ज़रिए से अपडेट करवा सकते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन मौजूद है मार्क्स मार्क सिटेशन। मार्क सिटेशन क्या करता होता है कि जिस तरह से आपने इंसर्ट करवाया है सिचुएशन को इसी तरह आप उसे मार्क कर सकते हैं। जिस तरह आपने एंट्री को मार्क किया आप किसी सिचुएशन को भी मार्क करके अपने टेबल ऑफ कंटेंट पे ऐड करवा सकते हैं। किस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं किसी वर्ड को लेता हूँ, यहाँ से मैं हेडर को लेता हूँ और इसे मार्क सिचुएशन करता हूँ और मार्क कर देता हूँ, उसके बाद क्लोज कर दिया। देन इसी तरह दूसरा वर्ड लेता हूँ मैं यहाँ पर रिमेंबर्स और इसे भी मार्क कर देता हूँ और मार्क करने के बाद मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद अपने टेबल ऑफ कंटेंट पे इन सिचुएशन को ऐड करवाना चाहता हूँ, लिहाजा इसके लिए मैं होम पर आऊँगा और शो एंड हाइड को क्लिक करके ख़त्म करूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस जगह पर एक और इंडेक्स के केस बने जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो मैंने मार्क की हैं सिचुएशन के रिस्पेक्ट से वो चीज़ें शो हो जाएँ, लिहाजा इस चीज़ के लिए इंसर्ट टेबल ऑफ पे आता हूँ और उसके बाद अथॉरिटीज़ टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पे आने के बाद यहाँ से हम इस चीज़ को ओके प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हो केसेस के साथ वो दोनों वर्ड्स जिसको मैंने मार्क किया था वो यहाँ पर आ चुके हैं।
तो होपफुली हमने यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जो रेफरेंसेस के टैब के अंदर मौजूद थी, और मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट पे ही बताया था सेशन पे कि जो चीज़ें एक बुक राइटिंग के अंदर इस्तेमाल होती हैं रेफरेंसेस के अंदर, वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं, इसके ज़रिए से आप एक प्रॉपर बुक राइटिंग कर सकते हैं। थैंक यू।